व्हाट इज द शून्यवाद, ये मुझे भी नहीं पता है, तो शून्यवाद के बारे में बताएं। ये शून्यवाद पे क्या अनमोल जी पूछना चाहते हैं? बेसिकली क्या है कि बुद्ध ने एक सत्ता तक जब ज्ञान प्राप्त किया था, तो एक सत्ता तक एक आइडियोलॉजी जो बुद्ध की जो जो मेन है, जिसपे सारा फिलोसफी रुकी हुई है, जो बेस है, जिसको हम पाली के अंदर पठित्य समुपाद बोलते हैं, या हिंदी में हम बोलेंगे प्रत्यय समुत्पाद, या हेतुवाद, हेतु का कारण बोलते हैं, या इसको इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं जी। तो एक चक्र है ये, बेसिकली 12 तुरियों का एक चक्र है कि मनुष्य, यानी जो मनुष्य है वो कैसे कैसे काम करता है, एक चक्र घूमेगा तो कैसे वो जीवन मरण के चक्र में जाता है, ये उन्होंने डिस्कवर किया। फिर इसको उल्टा भी चलाया, कई बार इसको धर्म चक्र के नाम से भी बोलते हैं। तो 12 इसमें वो कड़ियां होती हैं, इसको शून्यवाद बोलते हैं, क्योंकि ये शून्य जीरो, आज की डेट में जीरो, उस समय जीरो शून्यवाद नहीं बोला गया था, आज की डेट में इसको शून्यवाद करके बोला जाता है। तो ये उसके बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली वो बहुत बड़ा और विस्तृत है, और उसको समझाने के लिए कम से कम 3 घंटे अलग से चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी बैठेंगे तो हम इनका प्रत्यय समुत्पाद का पूरा बताएंगे।